हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कुर्ती का फ्रंटिंग डिज़ाइन बनाएंगे जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। ये हम एम्ब्रॉयडरी लेस की मदद से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाने के लिए कुर्ती हमने पहले से कट करके लिया हुआ है और यहाँ पर हमने कैनवास लिया हुआ है जिससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुर्ती को हम साइड में रखेंगे और कैनवास की जो चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 6 इंच लिया हुआ है और यहाँ पर इसकी जो लंबाई लिया हुआ है हमने 7.5 इंच लिया और ये हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो देखिए, जिस साइड में हमारा बंद भाग है उस साइड से हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने लिया है 3 इंच और इसकी हम लंबाई लेंगे 5 इंच और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए राउंड नेक की मार्किंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो है राउंड नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम 1 इंच का गैप देते हुए हमें एक और मार्किंग करनी है सेम। तो यहाँ पर देखिए, हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें राउंड नेक बना लेना है। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है नेक कट हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना कुर्ती लेंगे। तो कुर्ती को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में रखा हुआ है और कैनवास को देखिए, इस तरीके से जो हमने नेक कट किया है उसको हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमें मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नेक की चौड़ाई 3 इंच पर, जैसे हमने कैनवास पे मार्क किया था सेम हमें यहाँ पर भी मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने लंबाई लिया है 5 इंच। तो देखिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें कैनवास को रखना है और यहाँ पर जैसे हमारा कैनवास है सेम उसी पर हमें मार्किंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें राउंड में मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमें अंदर के साइड में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस तरीके से 1/2 इंच का हमें मार्किंग करना है एक्स्ट्रा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो एक्स्ट्रा मार्किंग हो चुकी है, अब इसे भी हम अंदर के साइड में जो हमारा मार्किंग किया है हम उसे कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर कट कर लेना है और यहाँ पर हमारा राउंड नेक जो है वो हमारा कट हो चुका है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके पहले हम अपना कैनवास लेंगे जो हमने राउंड नेक वाला कट किया था। अब इसके हमें सेंटर से इस तरीके से कट कर लेना है। इसे हमें 2 पार्ट में कट कर लिया है, ये देखिए। अब हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हमें रखते हुए इसे पेस्ट कर लेंगे। इसके और डिज़ाइन बनाने के लिए हमने दूसरा कैनवास लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच लिया है और लंबाई हमने 12 इंच लिया हुआ है और इसे हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो देखिए, इस साइड से हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है। जिस साइड में हमारा बंद भाग है कैनवास का उस साइड से हमें यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पर मार्क करना है और इसकी जो हमें नीचे से लंबाई लेनी है 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हमें वी नेक में हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने वी नेक बना लिया है। अब हम इसके साइड से हमें लेना है 1 इंच का गैप। तो देखिए, इस तरीके से हमें 1-1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो है 1-1 इंच की मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए, इस साइड में हमें इस तरीके से मिलाना है पॉइंट को, जितने भी हमारे सभी पॉइंट है उसे मिला लेंगे और जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया था वहाँ से लेते हुए नीचे के साइड में हमें 8 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हमें इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अंदर का जो हमारा वी नेक था उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर नेक की जो डिज़ाइन है रेडी हो चुका है। अब हम कुर्ती वाला फैब्रिक लेते हुए हमें इसे अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पेस्ट कर लिया हुआ है। अब हम इसके साइड में सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले हम इसके साइड में 2 कट लगाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर हमारा वी नेक का कटिंग था वहाँ पर ही हमें इसे 2 कट लगाना है। अब इसके साइड में हमें एक रफ सिलाई लगानी है जो हम बाद में जो हमारी सिलाई रहेगी हम उसे ओपन कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले रफ सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नए नए वीडियो देखते रहे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो वी पैकलेट था वो रेडी हो चुका है। अब हम अपनी लेंगे कुर्ती। तो देखिए, कुर्ती को हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए, ये हमारा सीधा वाला पार्ट है और ये हमारा उल्टा वाला पार्ट है। तो हमें इस पैकलेट को उल्टे वाले साइड से रखना है और सीधे वाले साइड में हमें पलटी करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम सबसे पहले इसका सेंटर लेंगे और ऐसे ही हमें ये जो वी पैकलेट बनाया है उसका भी हम यहाँ पर सेंटर लेंगे और यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर देखिए हमारा कुछ उभरा हुआ लाइन दिख रहा है आपको, उस पर हम इस तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाते हुए यहाँ पर रखना है और यहाँ पर पिन से हम सबसे पहले सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड में हमें सिक्योर करना है और यहाँ पर जो वी नेक हमने रेडी किया था उस पर हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है सिलाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कट हो चुका है। अब हम इस पैकलेट को इस तरीके से पीछे आगे के साइड में पलटी करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर वी नेक बन चुका है। अब हम इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है दाब सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पर देखिए जिधर हमारा पैकलेट ये रेडी हुआ है यहाँ पर हम लगाएंगे लेस। तो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला लेस है, यहाँ मार्केट पे बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें लगाते हुए इसके चारों ओर हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फैब्रिक के नीचे ही हल्का सा इसको अंदर के साइड में डालते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर हल्का हल्का अंदर साइड में डालते हुए इस लेस को हमें यहाँ पर डिज़ाइन की तरफ यहाँ पर रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए जब एंड आएगा तो हमें इस तरीके से लेते हुए हल्का सा हमें क्रॉस लेते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। तो ऐसे ही आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है डिज़ाइन यहाँ पर जो हमने लेस लगाया था वो रेडी हो चुका है। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है। अब हम इसके साइड साइड में एक और सिलाई लगाएंगे। तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ का नेक का डिज़ाइन था नीचे के साइड का वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमने नेक सबसे पहले राउंड में कट किया था हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने उसे भी फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसे पेस्ट कर लिया हुआ है। अब इसके चारों ओर हमें सिलाई लगाना है। तो इसके पहले हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले कैनवास में भी रेडी करना है जो हमने दूसरा वाला नेक रेडी किया था। देखिए इसको भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से और इसके साइड में भी हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोनों नेक यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे अपनी कुर्ती और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कुर्ती को लेना है और कुर्ती के दोनों साइड में हमने जो देखे 3 इंच पर हमने मार्किंग किया था इस तरीके से हमें यहाँ पर दोनों साइड में मार्किंग करना है। और यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से उस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। ऐसे हमें दूसरे साइड में भी लेना है और सेम हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें इसके साइड साइड में सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम आपको एक पहले मतलब स्लो में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए इस साइड में हमारे एक साइड का हमारा जो गला है उस साइड में सिलाई हो चुका है और अंदर साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो अंदर साइड में फैब्रिक है हम उसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा छोटा छोटा कट लग चुका है। अब हम इस तरीके से कैनवास को पीछे के साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कैनवास है इस तरीके से हमें पीछे साइड में डालते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें लेते हुए इसके ऊपर हमें एक दाब सिलाई लगानी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कैनवास था देखिए इस तरीके से हमें इसे अंदर के साइड में डाल देना है और डालते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए एक साइड में हमारा नेक है जो रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड का भी नेक रेडी करना है। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर अंदर के साइड में हमारे जो नेक है वो रेडी हो गया है।
सिल उठा है। अब इसके भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कट हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे और अंदर के साइड में डालते हुए हमें यहाँ पर दाब सिलाई लगाते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। और इस तरीके से हमारा जो है नेक देखिए यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है नेक की सिलाई हो चुकी है और यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा पर्ल मोती और यहाँ पर मोती हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर सेंटर मार्क करना है और यहाँ पर हम लगाएंगे मोती। तो देखिए ये मीडियम साइज़ का हमारा मोती है, आप चाहे जितने भी साइज़ का मोती यहाँ पर लगा सकते हैं पर हम यहाँ पर मीडियम साइज़ का मोती लगा रहे हैं। तो मोती लगाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से इसका डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सेंटर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से तीन तीन मोती यहाँ पर लगाते हुए हल्का हल्का गैप देते हुए यहाँ पर लगाना है। तो आपको एक लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें तीनों मोतियों को एक साथ में डालना है और तीनों मोतियों को एक साथ में डालने के बाद हमें तीनों मोतियों को एक बार फिर से हमें सब मोतियों को अलग अलग स्टिच करना है जिससे ये हिले ना। तो देखिए इस तरीके से हम एक एक मोतियों को अलग अलग स्टिच करेंगे। ऐसे अब हम दूसरी वाली मोती में भी सिलाई करेंगे। तो ये हमारी देखिए पहली वाली मोती में हो चुकी है, अब हम दूसरी वाली मोती में लगाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें सभी मोतियों को इसी तरीके से अटैच करना है। तो आपको मोतियों को अटैच करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी मोतियाँ अटैच कर लिया है यहाँ पर और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर